दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों अक्सर हमारे घरों में जो लेडीज़ होती है उनके खासकर एक दिक्कत रहती है, वो होती है देखिए कमर दर्द की होती है, या फिर उनके कंधे में हाथ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती है छोटी मोटी, जिनकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें होती है दोस्तों, ठीक है। या फिर जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे घरों में उनके भी काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, आपने ये बैग देखा होगा, वार्म बैग जिसको बोलते हैं, जो कि हमें एक हीटिंग देता है, यानी हमारे बॉडी को हमारे शरीर को एक ऐसा हीटिंग पावर देता है, यानी कि वार्म कर देता है। देखिए जैसा कि इसका नाम है, वहाँ से जहाँ से हमें पेन होता है वहाँ से यह वार्म कर देता है, और जिससे कि हमें पेन से रिलीफ मिल जाती है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, रिलीफ फ्रॉम ऑल बॉडी एक, यानी कि शरीर के जितने भी दर्द हैं उनके लिए यह ठीक रहता है, अच्छा रहता है, रिलीफ देता है हमें, उससे थोड़ी सी राहत यह देने का काम करता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, और इसमें अगर आप यह खरीदने जा रहे हो तो एक बार यह वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये प्रोडक्ट जो हम बता रहे हैं वो ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको जो गारंटी पीरियड है वो भी मिलेगा, रिप्लेसमेंट भी आप करवा सकते हो, और बहुत ही कम दाम में यह आपको मिलने वाली है, जो कि मार्केट में या फिर ऑनलाइन कहीं भी आपको यह नहीं मिल रही होगी, ठीक है। चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। तो जहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका एक यहाँ पर पिक्चर छपी हुई है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है शॉक फ्री, यानी आपको करंट नहीं लगेगा दोस्तों इससे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इजी टू यूज, अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, पेन रिलीफ, ठीक है। जिसके लिए हम लोग ये खरीदते हैं वो होता है पेन रिलीफ के लिए खरीदते हैं, तो जहाँ जहाँ भी हमें पेन होता है वहाँ पर हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखिए, चलिए इसको हम ओपन करते हैं पहले, और ओपन करने से पहले यहाँ पर रेट की अगर बात करें, देखिए रेट लिखा हुआ है 399, जो कि आपको कितने में हम दिलाएंगे, कितने में आप खरीद सकते हो वो आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कहाँ से बनाया गया वो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके बाद में देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और साफ साफ यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, रिलीफ फ्रॉम ऑल बॉडी एक, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के लिए यहाँ से इसको खोल लेते हैं, देखिए, और खोलने के बाद जो हमें मिलता है वो देख लेते हैं, देखिए दोस्तों, और कैसे आप इसको यूज़ करोगे वो भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे। ओपन कर लिया है, और बॉक्स में और कुछ नहीं है, केवल हमें ये बैग मिलता है, देखिए एक बैग मिला है, और एक ये वायर मिली है, जो कि यहाँ एक प्लग लगा हुआ है, जो प्लग हमें कहाँ कनेक्ट करना है और कैसे आप इसको यूज करोगे बिल्कुल आसानी से वो आपको आज की वीडियो में बताएंगे। देखिए तो ऐसा हमें यह थैली मिलती है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो कि हमें काफ़ी समय तक यह हीटिंग करता रहता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, जिसको यहाँ से चार्ज आप करोगे वो आपको बता देते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक हमें सॉकेट मिल जाता है, और ये प्लग है, ठीक है दोस्तों। तो इसको प्लग को आपको यहाँ लगाना होता है, और ऐसे आप इसको यहाँ पे प्लग इन कर लीजिए, और इसके बाद आप किसी भी 6 एम्पेयर के सॉकेट में आप इसको लगा सकते हो, देखो, ठीक है। और अब इसको ऑन कर देते हैं, तो ऑन करने के बाद यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो इंडिकेटर जल चुका है, और जैसे यह हीट होगा तो यह ऑटो कट भी कर देगा, ये बात भी इसमें लिखी हुई है दोस्तों, आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि आपको अभी दिखा देते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रिक हॉट जेल, यानी इसके अंदर दोस्तों जेल होती है, पानी नहीं होता है। काफ़ी सारे दोस्त सोचते होंगे कि इसके अंदर पानी होता है इसलिए है पानी गर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक हॉट जेल वार्म बैग हीट्स अप फास्ट, यानी बहुत जल्दी है गर्म होता है, कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक यह गर्म रहेगा, ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। इफ़ चार्ज फोर 8 to 12 मिनट, अगर आप 10 या 12 मिनट इसको आप चार्ज कर देते हो तो यह काफ़ी टाइम तक यह गर्म रहेगा, यानी इसको आप गर्म कर लेते हो तो एक बार तो 8-10 मिनट अगर कर लेते हो तो यह काफ़ी टाइम तक यह गर्म रहेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ इट कैन सस्टेन, यानी यह 2 से लेकर 5 घंटे तक यह काम करेगा। चलिए 2 या 5 घंटे नहीं, अगर 2 घंटे भी यह काम कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि सभी के लिए एक मतलब राहत की बात होगी, ठीक है। और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी इलेक्ट्रिक हॉट जेल वार्म बैग ऐसे बिल्ट इन ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, यानी टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम जो है इसमें एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है, जो कि हमें अगर यह ओवर हीट होने से यह बचाएगा, यानी कि ठीक है थर्मोस्टेट लगा होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, जितना भी इसमें सेटिंग होगा वो कंट्रोल यह करने वाला है, ठीक है।
और इसमें क्या है, विच कैन प्रिवेंट ओवरहीटिंग, यानी ज़्यादा गर्म यह नहीं होने देगा। इट हैज़ ड्यूअल प्रोटेक्शन एंड नॉट क्रैक, है सेफर एंड मोर एश्योर्ड, यानी कि यह क्रैक नहीं होता है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है, यानी कि यह ख़राब होने वाला नहीं है किसी भी कंडीशन में। यह कुछ जो कंडीशन है, जो फीचर्स है, वो कंपनी यहाँ पर हमें बता रही है। इसके अलावा और क्या क्या इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, देखिए प्रिकॉशन भी दिए हुए दोस्तों, देखिए कि वैन बैग सरफेस राइज अप ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी कि जो सरफेस है वो अगर राइज अप यानी कि ऊपर उठ जाता है तो प्लीज़ कट ऑफ द पावर, यानी कि यह ज़्यादा फूल जाता है काफ़ी बार मान लीजिए, तो उस समय क्या करना है आपको, जो ये पावर है इसको आपको, जो प्लग है इसको हटा देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वैन द हॉट वाटर बैग लीक्स, मान लीजिए किसी वजह से यह बैग लीक हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, उस समय भी आपको जो चार्जिंग है वो हटा देना, यानी प्लीज स्टॉप यूजिंग, ठीक है, इसको यूज करना बंद कर देना आपको। इसके बाद है ड्राई हीटिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि आप इसको किसी और सामान से, यानी कि आप इसको फ्लेम में किसी और जगह पर आप इसको गर्म मत कीजिएगा, यह ऑटोमेटिक ही गर्म होगा जैसे कि प्रोसेस आपको बताई है ऐसे, यानी कि ये जो वायर है इसको आपको एक सॉकेट में ऐसे लगाना है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट में, वैसे ही आपको गर्म करना है। किसी और सामान से आप इसको गर्म करते हो तो यह ख़राब है, यह एक आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें ऐसा बताया गया है। ड्राई हीटिंग हो गया, डू नॉट यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड डू नॉट बीट ए स्विच टू अवॉइड लीकेज, ठीक है, यानी कि आपको कोई भी ऐसा नुकीला जो है वो, जो हथियार मान लीजिए या कोई चाकू मान लीजिए, कोई भी नुकीली चीज़ से आपको इसको क्या नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है इसके ऊपर, ठीक है, डू नॉट बीट एंड स्क्वीज द अवॉइड लीकेज, ठीक है, यानी कि लीकेज से बचने के लिए आपको ये नुकीली चीज़ों से आपको इसको दूर रखना है, ठीक है। अब क्या लिखा है, डू नॉट पुट प्रेशर ऑन द बैग विद हैवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर आपको नहीं बैठना है किसी भी प्रकार का, आपको इस पर प्रेशर नहीं करना है दोस्तों, तब यह थोड़ा अच्छा चलने वाला है, ये इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रेट की अगर बात करते हैं तो रेट दोस्तों इसमें काफ़ी सारा लिखा हुआ है, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए रेट हमने आपको पहले दिखाया, 399 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि एक MRP है, ठीक है, लेकिन आपको अगर दोस्तों अगर ये लेना है तो आपको 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ में हम आपको ये दिला सकते हैं केवल, ठीक है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, आपको ये 100 रुपीज़ में हम आपको सेंड कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं, लेकिन कुरियर चार्ज आपका अलग से देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर गारंटी की बात करें तो 1 ईयर वारंटी के साथ आपको यह हम दिला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो टर्म एंड कंडीशन है वो पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम ये जो बताया हमने आपको, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जब यह देखिए अभी यह गर्म हो चुका है, ठीक है, तो 10 या 12 मिनट तक आपको यह गर्म करके रखना है, उसके बाद जैसे ही आपका यह हीट हो जाता है पूरा, ऑटोमेटिक कट कर देता है, तो भी कर सकते हो, या फिर जितना आपको मान लीजिए आपने हाथ में ले लिया इसको, ठीक है, और आपको लगता है कि इतना हीट ही हमें चाहिए, तो उस समय भी आप जो ये प्लग है इसको निकाल सकते हो, ठीक है, वरना आप थोड़ा सा और भी वेट कर सकते हो अगर ज़्यादा हीट करना है तो, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, जो कि आपको ओवर हीटिंग से बचाने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, और अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।